हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यूर डूइंग वेल ग्रीटिंग्स टू यू सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड आई रियली वॉन्ट एंड होप कि आप सभी वीडियो देखो बी इट अ मेल और अ फीमेल डोंट टेक इट लाइक अ फीमेल प्रॉब्लम बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर योर डॉटर योर वाइफ राइट सो ऑल द मेन शुड अवेयर अबाउट दैट सो दैट दे गिव बेटर केयर टू देयर फैमिली

ओके okay? सो so, ये दोनों डेफिनेशन हो गई तो आपको डेफिनेशन से ही थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे एक्चुअली ओवरी में ओके okay? ये ओवरी में एक प्रॉब्लम है जो जिसको बोलते हैं कि होती है यूजुअली हॉर्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ओके सो इट इज़ अ हॉर्मोनल डिसऑर्डर कॉमन अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज बिकॉज विमेन्स की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है चाइल्ड बेयर करने की जो उनकी एज होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बीच में होती है वो मेन की तरह थ्रू आउट द लाइफ एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओके okay, तो उनकी एज क्या होती है 12 टू 51 इयर्स। 51 इयर्स और 55 इयर्स तक के बाद फीमेल्स को क्या हो जाता है मेनोपॉज हो जाता है मेनोपॉज का मतलब होता है उनके जो पीरियड्स होते हैं उनके जो एग रिलीज होने हैं बॉडी में वो खत्म हो जाते हैं ओके एंड देन दे वोंट एबल टू बेयर अ चाइल्ड ओके सो ये कैसी डिसीज है एक हॉर्मोनल डिसऑर्डर है ओके सो इसलिए हम इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं बिकॉज आपकी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में जब भी हार्मोन का इंबैलेंस होगा तो वह आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आप खुद कभी ये चीज़ आप खुद भी एक, फील करना कि जब आप बहुत लंबे टाइम स्पैन तक अनहेल्दी फूड इंटेक कर रहे हो ठीक है आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो या फिर जैसे आज आजकल आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हम बैठ के काम करते हैं डेस्क जॉब आजकल बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होता है हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो हार्मोन का लेवल है वो बॉडी में इंबैलेंस हो जाता है और उससे में और भी सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं सो so, ये वन ऑफ दैट प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में प्रोमिनेंट है बिकॉज ये ओवरी में हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि ये फीमेल बॉडी में ही होगी मेल बॉडी में नहीं होगी राइट right? अब इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं कोई भी गर्ल या कोई भी फ़ीमेल इसको कैसे डिटेक्ट uh, कर सकती है खुद से कि उसको उसकी बॉडी में कुछ भी ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको क्या होगा उसको मैंशुअल पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं बहुत लंबे ऐसे फाइव फाइव थ्री टू फाइव डेज़ की एक एवरेज साइकिल होती है बट उसकी टेन डेज़ चली गई नाइन डेज एट डेज चली गई कंटिन्यूसली ब्लड रिलीज हो रहा है बॉडी में से तो वन सिम्टम सेकेंड सिम्टम क्या है एक्सेस मेल हार्मोन क्या हो रहा है कि फीमेल के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं जैसे मेल हार्मोन दो होते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये फीमेल बॉडी में भी होता है बट फीमेल बॉडी में सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए जो हमारी बॉडी पे थोड़े बहुत हेयर की ग्रोथ है वो टेस्टोस्टेरॉल एंड्रोजन की वजह से ही है बट अगर किसी फीमेल की बॉडी पर बहुत एक्सेस हेयर्स हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर मेल हॉर्मोन ज़्यादा है ओके okay? तो ये मेल हार्मोन रिलीज होना मेल हार्मोन रिलीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फीमेल की बॉडी बनी है फीमेल हार्मोन्स को कैरी करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन इन सब हार्मोन्स को कैरी करती है बट जब उसके अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्ने आना एक्सेस हेयर ग्रोथ होना ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी ये एक तरीके के सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में हारमोन लेवल ठीक नहीं है राइट right? नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लूड जो आपकी ओवरीज है उसके अंदर फ्लूड फ्लूड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लूइड कलेक्ट होगा तो ओवरी स्वेलअप होगी ओवरी स्वेल होगी तो वो पेन करेगी तो एब्डोमिनल पेन रहना बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट सिम्टम है बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तब भी एबडोमन में पेन है ये भी एक सिम्टम है कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं एवरीथिंग इज़ नॉर्मल पीरियड अभी खत्म हुए हैं बट स्टिल लाइक फीमेल इज़ हैविंग पेन इन देयर एबडोमन तो ये भी एक सिम्टम है हारमोनल डिसऑर्डर का ओके okay. नेक्स्ट है फेल टू रिलीज रेगुलर एग्स अगर कोई भी फीमेल इफ शी इज एक्सपेक्टिंग और शी wants टू हैव अ बेबी एंड देन इफ़ शी इज ट्राइंग एंड वो डॉक्टर के पास चेकअप करा रही है प्रॉपर सब कुछ चल रहा है देन उससे उसको क्या पता चल रहा है कि उसके एग ही टाइम पर रिलीज़ नहीं हो रहे हैं जब एग रिलीज़ नहीं होंगे वो स्पर्म से फ्यूज नहीं करेंगे तो शी वू गेट प्रेग्नेंट राइट सो ये भी एक प्रॉब्लम है ये ये वाली प्रॉब्लम बट तभी पता चलेगी जब कोई फीमेल मैरिड है राइट आफ्टर बिफोर मैरिड और मतलब मैरिड है और मे बी शी इज़ ट्राइंग फॉर अ बेबी देन ओनली अदरवाइज नहीं पता चलेगी और नेक्स्ट है ओबेसिटी वेट गेन हो जाएगा एकदम से ही फीमेल का तो वो भी वेट गेन के अब दो चीज़ें हैं थायराइड भी हो सकता है आपने देखा देखा है थायराइड में भी वेट गेन हो जाता है तो वो भी हो सकता है एंड थायरॉयड भी इसकी वजह से हो सकता है तो दोनों मतलब हार्मोन बैलेंस जब इम्बैलेंस जब होगा तो वो सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है सारे जो हमारे हार्मोन रिलीज करते हैं सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा ओके तो ये हमने सिम्टम्स डिस्कस किए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पीसीओएस एंड पीसीओडी है क्या और किसको इसको कैसे क्योर किया जा सकता है सो so, अब हम देखते हैं कि पीसीओएस एंड पीसीओडी इनमें थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है जो पी है ना उसमें क्या होता है कॉजिंग एनलार्ज ओवरी ओवरी का साइज़ क्या हो जाता है थोड़ा एनलार्ज हो जाता है ओके okay? और उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं सिस्ट होता है मतलब थोड़ी थोड़ी सी गांठे टाइप बन जाती हैं ओवरी के अंदर ओके ऑन अ आउटर एजेस आउटर एजेस के ऊपर क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि एग फर्टिल एग पूरा प्रॉपर मेच्योर नहीं होता इमेच्योर एग्स ही बहुत सारे रिलीज होते हैं और वो मेच्योर नहीं होते तो वो सिस्ट की फॉर्म मे, में पूरी ओवरी में खट्टे हो जाते हैं एजेस पे और ओवरी का हो जाती है स्वेलअप हो जाती है ओवरी का साइज बढ़ जाता है ऑब्वियस सी बात है आप खुद सोचो कि अगर एक एक, एक कोई भी ऑब्जे ऑडी का ऑर्गन है वो छोटे से साइज का है और जब वो साइज़ में बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आसपास के और ऑर्गन्स में प्रेशर डालेगा उसके ऊपर खुद भी प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर पे पेन रहेगा ऑल द टाइम स्वेलिंग हो गई राइट right? तो वही चीज़ है ठीक है पी सी ओ एस पी सी ओ डी में आपको मेरे साइड में पिक्चर देख रही है देखो उसमें उसमें प्रॉपरली बिल्कुल क्लियर बाइफर्केशन uh, है जब नॉर्मल एग रिलीज़ होता है ओवरी के अंदर तब उसकी क्या साइकिल होती है और देन जब एब जब पी में है किसी पर्सन को किसी फीमेल को एंड उसकी बॉडी में जब एग रिलीज़ हो रहा है तो क्या कंडीशन होती है ये दिख रहा है आपको क्लियरली तो इससे क्या आइडिया हो रहा है हमें कि पी में क्या होता है कि सिस्ट बन जाते हैं और इमेच्योर सेल्स या एग्स रिलीज होते हैं ओके एंड पी क्या है पी उसी का ही सीवियर फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि ओवरीज एग ही रिलीज़ करना स्टॉप कर देती हैं और वो इतना ज़्यादा डेडली है एक्चुअली फ़ॉर फीमेल इट्सल्फ कि उसको फिर ऑपरेट ही करना पड़ता है या तो ऑपरेट करके ओवरी को ही निकालना पड़ता है या फिर और अगर थोड़ा थोड़ा लेटेंट स्टेज पे थोड़ा पहले पता चल गया तो फिर उसको ऑपरेट करके थोड़ा ठीक किया जाता है ताकि सारे एग ना डैमेज हों कुछ एग बच जाएँ और जो भी सिस्ट बना है जो भी प्रॉब्लम है उसको निकाल देते हैं डॉक्टर ओके सो पी एक्चुअली में बहुत सीवियर एक सिंड्रोम बन गया है पहले एक डिसीज़ थी जो अब किस में कन्वर्ट हो गई सिंड्रोम में कन्वर्ट हो गई तो वो प्रॉपरली ओवरी को क्या कर रही है डीप डैमेज कर रही है राइट right, हमने डिस्कस किया पीसीओएस के बारे में पीसीओडी के बारे में मैंने आपको सब बताया कि ये होता कैसे है इसके सिम्टम्स क्या है कैसे कोई भी फीमेल इसको चेक कर सकती है अब आप सबके लिए एक सजेशन है कि जो भी फीमेल्स हैं वो प्लीज़ अपनी जो साइकिल होती है जो उनकी मैंशुअल साइकिल है उसको नोट किया करें किस दिन उनको हुई थी स्टार्ट एंड आफ्टर कब उनका स्टॉप हुआ कि थ्री डेज बाद थ्री डेज बाद फाइव डेज बाद कब स्टॉप हुआ सो एंड देन नेक्स्ट मंथ उनको कब हुआ सो so दैट उनको पता चले कि कितनी डेज का गैप आता है उनकी साइकिल में और साइकिल उनकी फ्री नॉर्मल uh, चल रही है नहीं चल रही या फिर वो अप डाउन अप डाउन है या फिर हो ही नहीं रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता चलेंगी चले आप कुछ मंथ सिक्स मंथ ही करके देखो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी एबनॉर्मल है नहीं हो रही ठीक से तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर रेफर कर सकते हो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही कि पीसीू बेस डिसीज होगी ही नहीं ओके okay? नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो आप आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हो मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल डिसीज है आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी थिंग्स खाओ लेस कार्बोहाइड्रेट फैट इंटेक करो मोर प्रोटीन मिनरल्स विटामिन इंटेक करो वाटर प्रॉपर अमाउंट में लो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ओके प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है नो डिप्रेशन नो स्ट्रेस मेडिटेशन करो अपने माइंड को एकदम कूल cool रखो क्योंकि माइंड क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड है माइंड हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा माइंड हाइपोथैलमिस ये सारे जो ग्लैंड अगर हमारे कंट्रोल में हैं हमारा माइंड एकदम मेंटल स्ट्रेस नहीं है हमें हमें मेंटल mental, मेंटली हम फिट हैं तो हम फिजिकली भी फिट रहेंगे तो मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए यानी आप मेंटली टेंशन में हो बट आप एक्सरसाइज कर रहे हो रनिंग कर रहे हो तो आप ठीक हो रहोगे नहीं नहीं रह पाओगे राइट right? तो मैंटली में, अपने आप को फिट रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखना है ओके एंड ज़्यादा सीवियर केस में अगर आपको लग हो रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप अपनी डाइट प्लान प्लान कर सकते हो आप अपना वर्कआउट कर सकते हो एंड अच्छे डॉक्टर्स आई एम श्योर आपको मेडिकेशन सजेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज मेडिकेशन इज़ अ टेम्परेरी क्योर वो परमानेंटली इसको क्योर नहीं कर सकता यू हैव टू डू वर्कआउट यू हैव टू मेक योर लाइफ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी हेल्दी रखेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं राइट right? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग